हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तमिलनाडु की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई। यह मिठाई आज भी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। यह मिठाई बहुत ही कम खर्चे में और सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि यह मिठाई कितनी बढ़िया और जूसी बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले मैं मिठाई के लिए चाशनी को तैयार करूँगी, जिसके लिए हम 2 कप चीनी ले रहे हैं। 2 कप चीनी लिया है तो 2 कप पानी भी लेना है। पानी डालने के बाद चीनी को यहाँ पर हम घुलने देते हैं। चीनी जब हमारी अच्छे से घुल जाए ना दोस्तों, तब हम इसमें इलायची को कूट कर डाल देंगे। यहाँ पर हम 3 इलायची को कूट कर डाल रहे हैं, साथ ही 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल देंगे ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना होने पाए। अब हम चाशनी को तेज़ आंच पर 1 तार आने तक पकाएंगे। दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगी, आपकी मिठाई एक बार में ही बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। चाशनी हमारी 1 तार की बनकर तैयार हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस स्पैचुला से हल्की सी चाशनी लेंगे और चाशनी जब ठंडी हो जाएगी तब इसे इस तरह से चेक करेंगे। देखिए, 1 तार बन रहा है, बस ऐसे ही चाशनी होनी चाहिए। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम 2 कप मैदा ले रहे हैं। दोस्तों, इस मिठाई को मैदे से ही बनाया जाता है, तो मैं आपको मैदे से ही बता रही हूँ। मैदे में 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। मीठे को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 1 पिंच नमक भी डाल लूँगी और यहीं पर 1/4 कप गाढ़ा फ्रेश ताज़ा दही भी डाल लेंगे। दोस्तों, मिठाई को बढ़िया सा ऑरेंज कलर देने के लिए 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर भी ऐड करेंगे। कलर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि कलर घुल जाए, फिर डो तैयार करेंगे। जब हम कलर के ऊपर पानी डालेंगे तो ये इवनली पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे। फिर इस तरह से आटे को हाथों से थोड़ा थोड़ा तोड़कर एक सार करेंगे। बस इसे हल्के हाथों से इकट्ठा कर लेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। दोस्तों, इसे हमें सिर्फ 5 मिनट ही रखना है। 5 मिनट के बाद डो को उठाएंगे और इसकी लोई तोड़ लेंगे। इसे हल्के हल्के हाथों से रोल करेंगे। डो को हमने ज़्यादा सख्त नहीं बनाया है ना, तो यह आराम से रोल करते बन रहा है। देखिए, रोल हमारा इस तरह का होना चाहिए, ना तो यह ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इसे ऊपर से अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं सीजर में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी ताकि काटते समय चिपके नहीं। कटिंग आप चाकू से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप काट सकते हैं। काटने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें अंदर तक जाली बनी है, तो यह बहुत ही अच्छा साइन है। बस हमें इन्हें हल्का सा हाथों से सेव देना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो इस तरह से हमने सभी बनाकर तैयार कर लिया है। इन्हें ढककर साइड में रखेंगे, गैस की तरफ चलते हैं। तेल को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। 1 टुकड़ा डालकर देखते हैं। तेल हमारा गर्म है, तो जितनी एक बार में आराम से बन जाएंगी उतनी हम डालकर फ्राई करेंगे। दोस्तों, जब हम डालेंगे तब तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। फिर डालने के बाद आँच को हम स्लो पर लगा देंगे ताकि यह अंदर तक अच्छे से सिक पाएँ और बाहर से जल्दी लाल ना पड़े। दोस्तों, जब यह एक साइड से पक जाती है ना, तब ये अपने आप ही ऊपर तैर के आ जाती हैं। तब हम इन्हें अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तभी यह चाशनी में जाकर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होंगी। अभी यह दोनों साइड से बढ़िया सिक गई हैं, निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया जालीदार बनकर तैयार हुई हैं। तो इन्हें झटपट से गरम गरम चाशनी में डाल देते हैं। जो कढ़ाई में बच गई हैं उन्हें भी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, चाशनी में जाते ही इनका कलर चेंज हो गया है, चाशनी इनके अंदर भर गई है। यहीं पर दूसरा बैच भी डाल लेते हैं और 5 मिनट के लिए इन्हें चाशनी के अंदर ही रहने देते हैं। दोस्तों, 5 मिनट के बाद यह बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से छन्नी के ऊपर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा चीनी कढ़ाई में ही रह जाए। तो यह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा रसीली जूसी बनकर तैयार है। तो मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ। यह देखिए, अंदर तक कितनी जूसी रसीली बनकर तैयार हुई है। तो मेरे कहने से आप एक बार इसे ज़रूर से बनाइएगा। यह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है।